राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर यानी जयपुर का एक बहुत ही खास जगह है। ओल्ड सिटी में आज हम आपको लेकर आए हैं राधा गोविंद मंदिर में। मेरे पीछे सुबह सुबह की जो ये भीड़ देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर, और लोगों में भी महिला और पुरुष समान रूप से यहाँ पहुँचते हैं। राधा गोविंद मंदिर, जिसे दरअसल गोविंद देव जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये जयपुर की ओल्ड सिटी की सबसे, जिसे कहते हैं, धार्मिक जगहों में से बड़ी जगह है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में, सुबह सुबह का आंकड़ा जो है वो भी हजारों की संख्या में है, और यहां पर हर तरह के लोग जो हैं, बड़े सक्षम जो लोग हैं वो भी सुबह अपने दफ्तर जाने से पहले यहां पर आते हैं। एक जो बहुत बड़ी मान्यता है गोविंद देव जी के मंदिर की, आराध्य देव माने जाते हैं, और कहते हैं कि सुबह से यहाँ जो शुरुआत होती है इनके दर्शन से, लोगों का दिन जो है बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ हम आज पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि यहाँ आने वाली जो महिलाएं हैं इस राजस्थान के चुनाव में, और राजस्थान के साथ साथ पांच राज्यों के चुनाव में जो स्थिति है उसमें महिलाएं क्या सोच रही हैं, ये जानने के लिए तो मंदिर में लेकर चलेंगे आपको, गोविंद देव जी के दर्शन भी करवाएंगे और वहाँ मौजूद महिलाओं से बात भी करेंगे। धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों के लिए गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो बहुत ही पावन माना जाता है, और यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं वो दीप दान के महत्व को भी समझाती हैं। यहाँ पर दीप दान किए जाते हैं और कार्तिक महीने में इसका खास महत्व यहाँ की जो महिलाएं हमने देखी हैं, उनसे जो बातचीत की है उससे समझ में आया। और आप एक बात और देखेंगे कि हर पीढ़ी की महिलाएं यहाँ पे, बुजुर्ग भी हैं तो युवा पीढ़ी भी है। युवा पीढ़ी से हम शुरुआत करते हैं, आप कहाँ से आए हैं गोविंद देव जी के मंदिर में, कितनी दूर जयपुर से आए हैं? हम 4-5 किलोमीटर दूर से आए हैं, 22 गोदाम में रहते हैं, थोड़ा दूर है। तो गोविंद देव जी, आप बचपन से आ रही हैं? जी, गोविंद देव जी जयपुर के ईस्ट देवता हैं, इनके बिना पत्ता भी नहीं सरकता। अच्छा, आपको ऐसा लगता है, तो गोविंद देव जी क्या कह रहे हैं इस चुनाव में, पत्ता किस तरफ जाएगा? पॉलिटिक्स नहीं पता, गोविंद जी पॉलिटिक्स नहीं सिखाते, बस हम तो श्रद्धा से आते हैं और अपने हर काम को उन्हीं को पहले आगे लेके चलते हैं बस। वोट देती हैं आप? मुझे लगता है कि मतलब बीजेपी जीतनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? अब मुझे लगता है बीजेपी सरकार ही आगे जानी चाहिए, कांग्रेस का चल रहा है इतने टाइम से, तो थोड़ा सा चेंज ऑफ होता है तो डेवलपमेंट्स भी दिखते हैं, लेट्स सी। ओके, तो क्या आप वैचारिक रूप से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, या फिर आपको लगता है कि काम जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किए उससे अच्छे काम होने चाहिए? हाँ, ये है कि काम जो है किए हैं उनसे बेटर होने चाहिए, तो जब तक चेंज ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी तो हम नहीं देख सकते कि किसने क्या करा। मोदी सरकार ने जो काम किया है और मोदी सरकार जो कर रही है, इतने सारे स्टेट्स में सब कुछ है, तो कुछ तो चेंज लेके आया है। पूरी आज दुनिया जो है मोदी सरकार के साथ है, तो कुछ तो चेंज है ना। मोदी सरकार ऐसा तो नहीं है कि बिना, मतलब बच्चे तो नहीं है सब लोग, कुछ तो चेंज है, मतलब कुछ लेके आए हैं वो। आपके परिवार में कोई राजनीति में है? मेरे पापा के दोस्त हैं, वो हैं, वो कांग्रेस से हैं। अच्छा, तो ये जो है वो आपका खुद का विचार है या आपके परिवार का विचार है? पर्सनल। अच्छा, ये आपका पर्सनल थॉट है, आपको लगता है? मेरे फादर जो हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, एंड आई एम बीजेपी सपोर्टर। तो आपके घर में इस बात को लेकर चर्चा होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिबेट, हेल्दी डिस्कशन? अब हेल्दी डिस्कशन तो आप नॉर्मली भी, आप कहीं भी बैठे होंगे तो होगा ये चीज पे, बट ऐसा कुछ नहीं, सपोर्ट आप किसी को भी कर सकते हो। आपके पापा क्या कहते हैं कांग्रेस के लिए? वो उनके फादर के साथ हैं, मेरे जो दादाजी थे वो भी कांग्रेस के सपोर्टर थे, इसलिए। ओके, तो ये परंपरागत परिवार जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे वो भी सोचते हैं कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने जिस तरह से दुनिया में भारत का परचम लहराया है, युवा पीढ़ी उससे प्रभावित है और वो बीजेपी की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है वो बहुत बड़ी है गोविंद देव जी के मंदिर में, और आज हम बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं से यहाँ बात करेंगे। गोविंद देव जी के मंदिर की खास बात ये है जयपुर में कि यहाँ पूरे जयपुर के अलग अलग इलाकों से लोग पहुँचते हैं, और वो भी सुबह सुबह, जल्दी, इतनी जल्दी आप लोग यहाँ पहुँच गए अपने घर का सारा काम निपटा के? हाँ, हम लोग सुबह 7 बजे वहाँ से पैदल चलना स्टार्ट किए हैं, पैदल चल के आए अम्बावाड़ी से 8-9 किलोमीटर। पैदल चलने से क्या महत्व है, क्या महत्व है? मतलब पैदल चलने से हेल्थ भी अच्छी रहती है, और दूसरा भगवान के दर्शन। तो हम जिम से आए हैं, जिम का पूरा ग्रुप आया है,
हम बिग एप्पल। अच्छा, आप जिम करती हैं? कितना टाइम देती हैं आप जिम में? एक से सवा घंटा जिम देते हैं डेली। अच्छा, तो ये जो आपकी जिमिंग में जितनी लेडीज ग्रुप हैं वहाँ पर बात होती होगी कि अब चुनाव है, नई सरकार बनेगी, तो लेडीज लोग के मन में क्या चल रहा है? लेडीज लोग के मन में एक ही सवाल है कि बीजेपी को आना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। राधे 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 राधे। तो आप बीजेपी की सपोर्टर हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आपके परिवार से कोई बीजेपी में है? नहीं, परिवार से कोई बीजेपी में नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनली और मेरे परिवार का सपोर्ट बीजेपी की साइड है। बीजेपी की सरकार ने, केंद्र ने क्या किया है जिससे आपको लगता है कि महिलाएं जो है वो बीजेपी के साथ जाएं? बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए, भी काफ़ी कुछ किया, आरक्षण दिया है महिलाओं के लिए, और वैसे भी बहुत सी चीज़ें हो रही है जो बीजेपी सरकार में हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई है। महिला आरक्षण जो बिल आया उसका आपको क्या फ़ायदा हुआ? अब हमको तो इतना तो नहीं लग रहा है, पर जिनको हुआ है उनको तो हुआ ही हुआ। अच्छा, लेकिन आपको बीजेपी के आने से क्या फायदा हुआ, महिलाओं को? ऐसा तो नहीं लग रहा है, पर बस अंदर से ये लगता है कि बीजेपी। आप ऐसा सोचती हैं कभी कि भाई बहुत सारी बातें होती हैं कांग्रेस बीजेपी, आप बीजेपी को सपोर्ट भी करती हैं, लेकिन बीजेपी ने आपके लिए किया क्या, कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या नहीं कर रही जिसकी वजह से आप बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं? या फिर घर परिवार के लोग सोचते हैं कि नहीं बीजेपी को वोट देना है? महिलाओं के हिसाब से नहीं सोचो, ओवरऑल डेवलपमेंट देखो आप तो, देश का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। आप सिर्फ महिलाओं को लेके नहीं जोड़ेंगे किसी चीज को, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा कर रही है सरकार, इसलिए। कुछ और महिलाओं के दिल को टटोलते हैं, आप हमारे साथ गोविंद देव जी के मंदिर के दर्शन भी कीजिए। गोविंद देव जी मंदिर जो है वो जयपुर राज परिवार, मेरे पीछे आप देख रहे हैं सिटी पैलेस का वो कॉर्नर है, वो जगह है जहाँ से राज परिवार सुबह उठते ही सबसे पहले यहाँ गोविंद देव जी के दर्शन करता था। आराध्य देव राज परिवार के गोविंद देव माने जाते थे, और आप देखेंगे एकदम सुबह उठते ही सबसे पहले जो दर्शन करते थे, और आज जितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की जो आस्था है उसको भी देखा जा सकता है। हम मंदिर में पूजा के बीच में चुनाव की बात कर रहे हैं, तो चुनावों में आपकी दिलचस्पी है? बहुत ज़्यादा तो नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं है। वोट देने जाती हैं आप? नहीं नहीं जाते। आपने कभी वोट नहीं दिया? माय गॉड, ऐसा क्यों करती हैं आप? आपकी आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपके वोट से चुनी जाती हैं, तो आपने कभी वोट क्यों नहीं दिया? थोड़ा ये टॉपिक कॉन्ट्रडिक्टरी है, मतलब सीरियसली सेइंग सो, बिकॉज यू नो टिल द टाइम वोट लेना होता है तब तक तो दे वुड लुक फॉरवर्ड टू यू। बाकी आई थिंक जो वोट कास्ट्स होते हैं ना वही मैटर करते हैं, हम लोग मैटर नहीं करते। हम लोग से मतलब आपका वेमेन है या? आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल पीपल। बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी इशू है, लेट्स नॉट गेट इनटू इट, बिकॉज मेरा थोड़े व्यूज थोड़े रिबेलियस है इस चीज़ में। ये कॉन्ट्रडिक्टरी है कि एक तरफ तो आप रेबेलियन है और दूसरी तरफ आप व्यवस्था से एकदम दूर हैं जब आप वोट ही नहीं देती हैं। आप ऐसी कितनी महिलाओं को जानती हैं जो वोट नहीं देती हैं? आई एम नॉट अ लीडर, मैं आई एम एन इंडिविजुअल, आई लिव माई लाइफ एज पर माई रूल्स। आप कुछ करती हैं व्यापार बिजनेस? आई एम अ वर्किंग, अभी तो राइट नाउ आई एम अ वर्किंग वुमन। क्या करती हैं आप? सो मैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फील्ड में हूँ। ओके, आई बीन अ बैंकर ऑल माई लाइफ, इंश्योरेंस बैंकिंग फाइनेंशियल। तो आपको नहीं लगता कि फाइनेंस की जो कैलकुलेशन इक्वेशन, क्योंकि फाइनेंस तो पूरा बेस ही उसी पर है, तो वैसे ही एक एक वोट की जो कैलकुलेशन है उसमें आप लोग बड़ा रोल, विमेन बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं? यार विमेन एम्पावरमेंट है ना, ये सब बहुत ज़्यादा है ना हिपोक्रेसी है इस चीज में, समझा? और आपको नहीं लगता कि आपको जब ये सब कुछ समझ में आता है तो फिर आपको कोई रोल प्ले करना चाहिए इसमें? हाँ लगता है। Let's see when he gives me an opportunity. I wish to. I would look forward to for a role. आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? यार मैं ना, I cannot get into shallow or cheap stuff. If elections become clean and clear, country में चीज़ें clean, clear, crystal, black and white में हो, तो why not? मैं but I cannot get shallow. मैं नीच, I cannot stoop down to you know bad levels to just get into power. That's not me.
तो ये जयपुर की एक पढ़ी लिखी बैंकर हैं स्नेहा, थैंक यू वेरी मच स्नेहा जी। इनको लगता है कि वोट देने से कुछ बदलने वाला नहीं है, इसलिए इन्होंने कभी वोट नहीं दिया। इनको लगता है कि डेमोक्रेसी बहुत चीप हो गई है, राजनीति बहुत बहुत अविश्वसनीय है, इसलिए इनका राजनीति से विश्वास उठ गया है। हमारे साथ इस वक्त जो महिलाएं हैं वो 70 और 80 के बीच की उम्र वाली हैं, और उन महिलाओं का इस चुनाव में क्या सोच है। आंटी जी, आपकी उम्र कितनी है? है जी। आपकी एज कितनी है? 72। 72। आप जो हैं इस चुनाव में इस चुनाव में आप किसको वोट देने जा रही हैं? अब देखो, ये पता नहीं, जो मिलेगा जिसको देंगे, उस टाइम जैसा मूड होगा वैसा देंगे, गोविंद कहेगा उसको देंगे। अच्छा, मतलब आप इतनी बड़ी राजनीतिज्ञ हैं, आप बताएंगे नहीं? नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है, नहीं बताना चाहिए। वोट दो तो किसी को नहीं बताना चाहिए। अच्छा, आप वोट अपनी मर्जी से देती हैं कि बेटा जिसको कहे उसको? नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से देती हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है किसने, मोदी ने कैसा काम किया है? बहुत बढ़िया किया। अच्छा, और अशोक गहलोत ने कैसा काम किया? करा है, दोनों ने बढ़िया करा। बढ़िया करा, मानते ये कहते हैं। तो फिर दोनों को वोट दोगी? नहीं नहीं, वोट तो एक को ही मिलेगा, दो को कैसे मिलेगा? वोट तो बेटे एक को ही मिलेगा, दो को कैसे मिलेगा, ये बताओ। अच्छा, आपके घर वाले सारे लोग सबको देते हैं वोट? सब देते हैं। नहीं, सब सब जने एक ही जने को देते हैं? नहीं, अपने अपने हिसाब से देते हैं, मैं पूछती नहीं हूँ। अच्छा, जिसका मन करे उसको दो। तो घर में कोई चर्चा होती है कि वोट माहौल कैसा है? जनता को देते हैं वो क्या होते हैं, कमल का फूल वालों को देते हैं ज्यादा। अब वैसे उनकी मर्जी है, ज्यादा आप उन्हीं को मानते हैं। क्यों मानते हैं आप उनको? अब ये मेरे को पता नहीं, जेंट्सों को पता है इस बात के लिए। मतलब 72 में भी आप मानती जेंट्स की हैं? जेंट्स ही कहेंगे वैसे ही करेंगे, नहीं तो देखो अपना कर्तव्य है, ये लेडीज का कर्तव्य है कि जेंट्स को मानना जरूरी है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है कि अपना परिवार है, नहीं बिखर जाएगा। अच्छा, तो परिवार को बचाने के लिए जेंट्स लोगों की बात माननी जरूरी है? जरूरी जरूरी। अच्छा, और अगर आप उनकी बात माने बिना तो अपना परिवार बिखर जाएगा, अपन बच्चों को कुछ बोलेंगे तो बिखर जाएगा। तो बहुओं को अपने बेटियों की जैसे रखो, सुनो उनकी, वो अगर बेटी भी अब अपनी दो बात कहेगी तो अपन सुनेंगे नहीं क्या? सुनेंगे नहीं तो बहू की भी सुन लो, क्या फर्क पड़ता है? उसको आज नहीं कल समझा दो बहू को, बेटे ऐसे आप मत करो, बात खत्म। मैं तो यही चाहती हूँ। इस सरकार ने, गहलोत सरकार ने कैसा काम किया? अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। तो ये दोबारा आने चाहिए, गहलोत जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने चाहिए? बन जाएंगे, बढ़िया कराया काम, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इन्हीं को वोट दे रही हैं इस बार? अब देखो क्या होगा, वो मैं नहीं बता सकती उस टाइम। थैंक यू अम्मा जी, बहुत बहुत, आप बहुत समझदार हैं।